हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो निकिता ब्यूटी ब्लॉग। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग लिपस्टिक थी इनका रिव्यू शेयर करूंगी। भाई आज ना मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि लिपस्टिक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट है और नॉट। तो वीडियो ये वाला जो लिपस्टिक थी ना, मैंने लूट ऑफर में ली थी ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग की। इसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना। एंड गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड टेलीग्राम को भाई फॉलो कर लीजिए जाके, क्योंकि इतने सारे लूट ऑफर मैं आप लोगों के साथ में वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ एंड ये बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, तो इसलिए ये जो ऑफ़र होते हैं ना, मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे ही आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए ये जो ऑफ़र होते हैं बहुत ही कम लिमिट के लिए होते हैं। तो देख लीजिएगा आप, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भाई देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेबलिन का भी काफ़ी अच्छे ह्यूज डिस्काउंट मिलता रहता है और यहाँ पे लैक्मे पे भी 60-70% ऑफ था भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे लूट ऑफर थे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो मेरे पास यहाँ पे दो लिपस्टिक हैं एंड शेड तो एक एक ही लिया है, अभी ज़्यादा शेड वैसे लॉन्च भी नहीं हुए हैं। और सबसे पहले जो है ये ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग इमोशन मैट लिपस्टिक एसेंशियल विद दी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आमंड ऑयल एंड ये क्रुएल्टी फ्री हैं, वेगन फ्री हैं एंड किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। वैसे स्किन केयर भी ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। MRP जो है भाई, पहले तो कलर है रेड वाइन, वैसे दिखा दूंगी। MRP है इसकी 545 रुपये है एंड शेल्फ लाइफ है इसकी 3 ईयर्स। एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कैस्टर ऑयल एंड आमंड ऑयल है और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड में दे रखी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो इनर पैकेजिंग है ना, वो भी कार्डबोर्ड में है। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लिपस्टिक कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में है, बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पे भी शेड मेंशन हो रखा है इसका एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। एंड ये है एक ब्लेड लिपस्टिक एंड इन्होंने एक ब्लेड लिपस्टिक और एक लिक्विड लिपस्टिक लॉन्च करी है एंड लुक एट द शेड गाइस, शेड इज़ रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक इसमें ना अभी आपको चार या पाँच ही शेड देखने को मिलेंगे, ज़्यादा शेड नहीं है। मेरे पास है ये रेड वाइन लिपस्टिक जो है काफ़ी सही है, ले सकते हो। दूसरी है ये ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग की मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें सेम वही चीज़ है, बस इसको ना लिक्विड फॉर्म में बना दिया गया है। बाकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है एंड MRP थोड़ी सी डिफरेंट है, ये है 595 रुपीज़, यानी कि ये जो जो लिक्विड लिपस्टिक है इसकी थोड़ी सी 20-30 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए है। अदरवाइज़ ये डिक्टो जो ब्लेड लिपस्टिक थी सेम था, इसमें भी ऑलमोस्ट वही सारे इंग्रेडिएंट हैं जो उस वाली ब्लेड लिपस्टिक में थे। एंड ये है भाई इसकी इनर पैकेजिंग और ये जो नॉर्मली लिक्विड लिपस्टिक होती हैं कुछ इस तरह से ही है। एंड ये वाली जो लिपस्टिक थी, यहाँ पे शेड भी मेंशन कर रखा है पीछे भी इसमें इनर पैकेजिंग में एंड शेड इज़ रियली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे शेड नेम भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये जो लिपस्टिक है ये आपके 5 से 6 घंटे तक ही टिकी रहेगी, ज़्यादा देर तक नहीं टिकी रहेगी। और जो ब्लेड लिपस्टिक थी वो तो भाई अगर क्रीमी लिपस्टिक है तो ज़्यादा देर तो ऑब्वियस सी बात है नहीं टिकी रहेगी, बट हाँ हल्का सा टेंट छोड़ जाएगी जो कि रहता है 6 से 7 घंटे तक। एंड डेली में मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है रेदर देन दी लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक स्टे भी नहीं कर रही है, ये टिंट छोड़ के जाती है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। सो गाइस, दिस इज़ दी ऑल अबाउट दिस लिपस्टिक। अगर आप लोग ने भी ये लिपस्टिक ट्राई करी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।